तो अब क्या होगा जब हम इंडिया के मैकेनिक्स द्वारा यूज किए जाने वाले स्टूल बॉक्स और पाकिस्तान के मैकेनिक्स द्वारा यूज किए जाने वाले स्टूल बॉक्स को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर इन दोनों की मजबूती को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखो गाइस, मेरी पिछली वीडियो में सिर्फ एक ही कमेंट आया था, वो भी इस पाकिस्तानी का। तो कम से कम आप लोग इस पाकिस्तानी का मुंह चुप करने के लिए इस वीडियो को इतना लाइक और इस वीडियो के कमेंट में इतना इंडिया इंडिया लिख दो कि आपकी बार से किसी पाकिस्तानी की ऐसी हिम्मत ना हो। तो गाइस हम देखते हैं कि यह हाइड्रोलिक प्रेस करीब 5 से 6 क्विंटल के वजन में भी इस इंडिया वाले टूल बॉक्स को सिर्फ ऊपर से ही थोड़ा सा डैमेज कर पाता है। लेकिन जब बारी आई इस पाकिस्तानी टूल बॉक्स की तब तो यह हाइड्रोलिक प्रेस उतने ही वजन के प्रेशर में इसका कुछ सेकंडों में ही पूरा कुचुंबर बना के रख देता है। यानी कि आखिरकार फिर से हारा तो बेचारा पाकिस्तान ही।